हेलो फ्रेंड्स, ई वीडियोस 2013 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप सीख पाएंगे कि विंडोज 7 मशीन पर टेलनेट को कैसे ऑन कर सकते हैं और इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। विंडोज एक्सपी पर यह पहले से ही ऑन होता था, हमें बस इसे स्टार्ट करने की जरूरत होती थी, पर विंडोज 7 पर ऐसा नहीं है। तो आइए सीखते हैं कि हम टेलनेट को विंडोज 7 मशीन पर कैसे ऑन कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। इसे ऑन करने के लिए रन ओपन कीजिए, फिर इसमें appwith.cpl टाइप करें। इससे प्रोग्राम सेंड फीचर का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। प्रोग्राम सेंड फीचर्स की स्क्रीन में टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, विंडोज फीचर्स की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। स्क्रॉल बटन की मदद से टेलनेट सर्वर और टेलनेट क्लाइंट ऑप्शन को ढूंढें। फिर जिस भी ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं उसे चेक मार्क करें। आप दोनों ऑप्शन भी चेक मार्क कर सकते हैं, यह आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, टेलनेट फीचर्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ समय लगेगा, तब तक आपको वेट करने की जरूरत है। यहां पर अगर आपसे विंडोज इंस्टॉलेशन डिस्क की डिमांड करता है तो उसे अवश्य दें, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन के बाद इस विंडो को क्लोज कर दें। अब हमें इसे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए रन में services.msc टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक कर दें, या फिर आप सर्विसेज को कंट्रोल पैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल से स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करें, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर डबल क्लिक करें, उसके बाद सर्विसेज पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। सर्विसेज की विंडोज में टेलनेट को ढूंढें और उसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करें। टेलनेट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए आप टेलनेट पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर टेलनेट ऑप्शन पे राइट क्लिक और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं। टेलनेट की प्रॉपर्टीज ओपन होने के बाद इसमें स्टार्टअप टाइप ऑप्शन में ऑटोमेटिक सिलेक्ट करें। बाय डिफॉल्ट यहां पर डिजेबल ऑप्शन होता है, आपको इसे ऑटोमेटिक कर देना है। ऑटोमेटिक कर देने के बाद आपका टेलनेट हमेशा ही आपकी मशीन पर स्टार्ट रहेगा, आपको बस इसे यूज करने की जरूरत होगी। ऑटोमेटिक करने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें। आप जैसे ही अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। इस तरीके से आप टेलनेट सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सर्विस स्टार्ट होने के बाद आप टेलनेट को यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरी हर नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में पा सकते हैं, या फिर आप www.